आज की ये जो डिश है वो सबके चेहरे पर स्माइल लाने वाली है। बच्चों के लिए तो ये ऑल टाइम फेवरेट स्नैक है और आप इसको कभी भी किसी भी समय आसानी से भी बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ या फिर घर पर अचानक कोई मेहमान आ जाए तो आप झटपट इसको तैयार करके रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉल्ट एंड पेपर। तो आज हम बात कर रहे हैं पोटैटो स्माइली की। ये बनाने में जितने आसान है खाने में उतने ही टेस्टी हैं। चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज मिलती रहेंगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। पोटैटो स्माइली के लिए मैंने यहाँ चार बड़े आलू लिए हैं। आलू को आपको दो तीन विसल आने तक बॉईल करना है। आपको कोशिश ये करनी है कि आलू बॉईल करते वक्त फटे नहीं। अगर आलू फट जाएगा तो आलू में पानी आ सकता है, जिसकी वजह से हमारे स्माइली जो है वो अच्छे से बनेंगे नहीं। जब आलू अच्छे से बॉईल हो जाए तो हम इनको छील लेंगे और अच्छे से मैश कर देंगे। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर मैशर या फिर हाथ से भी आप मैश कर सकते हैं। मैंने इनको यहाँ हाथ से मैश किया है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिला देंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर, जिससे आलू में बाइंडिंग अच्छी आती है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो भी ब्रेड अवेलेबल हो उसको ग्राइंड कर लेना है। तो मैं ये ले रही हूँ हाफ कप। ब्रेड क्रम्स से आलू में थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर होता है तो वो ब्रेड क्रम्स उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसमें जितने भी फ्लेवर्स हैं वो डाल दूंगी। तो मैंने फ्लेवर्स के लिए इसमें ऐड किया चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें चिली पाउडर भी अवॉइड कर सकते हैं। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के लिए या तो आप हाथ से मिक्स कर सकते हैं या फिर मिक्सर की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आलू हाथ पर ज़्यादा चिपकता है तो इसमें थोड़ा ब्रेड क्रम्स और ऐड कर लेंगे। बस ये याद रखें कि आपको पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, और अगर फिर भी चिपकता है तो आप थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर सकते हैं। ये बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है। तो देखिए स्माइली के लिए मिक्सर एकदम रेडी है। अब हम या तो ये चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे या फिर प्लेटफॉर्म ले लेंगे और उस पर थोड़ा सा ऑयल से इसको ग्रीस कर देंगे। और जो डो हमने तैयार किया था उसका हम 1/4 पोर्शन लेकर हाथ से इसे दबाते हुए बढ़ाएंगे। चारों तरफ से एक बराबर बढ़ाना है। इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग 1 या 2 सेंटीमीटर रख सकते हैं। अब स्माइली कट करने के लिए अगर आपके पास कुकी कटर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ऐसा ग्लास ले सकते हैं या फिर ऐसा कॉफ़ी का लिड है ये ले सकते हैं, या फिर मेरे पास ये छोटा ग्लास है ये भी ले सकते हैं। लेकिन आप जो भी लें उसकी एजेस शार्प होनी चाहिए। मैं एक ग्लास ले रही हूँ और इससे कट कर लूँगी। आप जैसे भी कट करें इसको थोड़ा सा प्रेस करें और गोल घुमाते हुए कट करें, जिससे कि अच्छे से कट हो पाए। अब मैं जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हटा दूंगी। ये देखिए कितना नीटली कट हुआ है। देखिए पहले मैं इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ आपको। मैंने यहाँ लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर रखा है इसको। अब इसकी आइज बनाने के लिए या तो आप पेंसिल ले लें, मैंने यहाँ ये स्ट्रॉ लिया है और उसको घुमाते हुए मैं इसमें होल करूंगी। ये देखिए ऐसे ही मैं सारे स्माइली में कर दूंगी। अब इनके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए हम स्पून की हेल्प से इसमें स्माइल बनाएंगे। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर स्पून है, जिसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करके प्रेस करूंगी। इसको भी अच्छे से मार्क करना है। अगर आप आधा काटेंगे तो फ्राई करने पर ऑयल इसमें अंदर बढ़ सकता है। ऐसे ही हम सारे स्माइली में स्माइल बना देंगे। स्माइली आप किसी भी शेप में या कोई भी इमोशन का बना सकते हैं। ऐसे ही मैं अपने सारे स्माइली तैयार कर लूंगी। ये देखिए कभी आपका स्माइली अगर चिपक जाता है तो आप नाइफ से ऐसे थोड़ा सा हेल्प लेकर इसको उठा सकते हैं।
स्माइली रेडी करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको इंस्टेंट फ्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसको किसी प्लास्टिक बॉक्स में, किसी स्टोरेज बॉक्स में या फिर जिप लॉक में भी इसको स्टोर कर सकते हैं, और जब आपको खाना हो तब इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए मेरे सारे स्माइली तैयार हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर देती हूँ। फ्राई करने के लिए हमको थोड़ा ऑयल लेना है और उसको अच्छे से गर्म कर लेना है। ये देखिए मैंने भी इनको फ्रीज कर दिया था। आप किसी भी स्टोरेज बॉक्स में या फिर जिपलॉक बैग में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रीज करने से जब हम इनको फ्राई करते हैं तो ऊपर की लेयर थोड़ी क्रिस्पी और अंदर की लेयर थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, जिससे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। स्माइली फ्राई करते वक्त अगर आप जो भी स्माइली ऑयल में डालेंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और जैसे जैसे वो अच्छे से फ्राई होंगे वैसे वैसे वो ऊपर आते रहेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्माइली अच्छे से फ्राई हो गए हैं। जब स्माइली एक तरफ से फ्राई हो जाए तो आप उनको पलट दें। ये देखिए मेरे स्माइली थोड़ा ठंडे थे इसलिए मैं एक बार में 6 ही डाल रही हूँ, अदरवाइज मेरा जो ऑयल है वो ठंडा हो जाएगा। देखिए स्माइली एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये ऊपर आने लगे हैं, तो एक एक करके इनको पलट लेंगे। देखिए स्माइली फ्लोट हो रहे हैं, इससे ही पता चलता है कि स्माइली जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब जब ये अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई हो जाएं तो हम इनको निकाल कर एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख देंगे, इससे जितना भी एक्सेस ऑयल होगा वो निकल जाएगा। तो ऐसे ही हम सारे स्माइली फ्राई कर लेंगे और इनको गरम गरम टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो है ना मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी। अब आप ही इनको बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, और फिर जब भी कभी आपके यहाँ मेहमान आए या फिर शाम की चाय के साथ आप इसको तुरंत फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।